हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स कुलाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप सिर्फ़ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें तो स्टूडेंट्स आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बी ऑनर्स फिजिक्स सेमेस्टर सिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट वन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लाउस इक्वेशंस फॉर एक्स रे एंड डिडक्शन ऑफ ब्रैक्स लॉ फ्रॉम लाउज इक्वेशंस देखिए स्टूडेंट्स ब्रैक्स लॉ में हमने देखा था कि जो इंसीडेंट एक्स रेज होती हैं दे आर स्कैट बाय द प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल बट इन लाव ट्रीटमेंट हम ये मान के चलेंगे कि जो इंसीडेंट एक्स रेज होती हैं दे गेट्स स्कैटर्ड बाय द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ द क्रिस्टल रदर देन द प्लेंस ऑफ द क्रिस्टल जो साइंटिस्ट थे वॉन लाउ, उन्होंने एक्सरे रे बाय क्रिस्टल्स को बहुत ही जनरल वे में प्रेजेंट किया उन्होंने कहा कि जो इंसिडेंट एक्सरेस होंगी वो इंडिविजुअल एटम्स ऑफ द क्रिस्टल से स्कैटर्ड होंगी और जो स्कैटर्ड एक्सरेस होंगी वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हुए हमें डायफ्रैक्शन मैक्सिमा देंगी बट जो डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा होगा वो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में ही हमें मिलेगा जिन स्पेसिफिक डायरेक्शंस में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कुछ कंडीशंस ओबे होंगी सिर्फ उन्हीं डायरेक्शंस में हमें डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा जो है वो देखने को मिलेगा और उन्हीं कंडीशंस को हम बोलते हैं लाउस इक्वेशंस और लाउस इक्वेशंस की हेल्प से हम ब्रैक्स इक्वेशन जो कि होती है टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन ऑफ डाइफ्रैक्शन ऑफ बाय क्रिस्टल्स को भी ऑप्टेन कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट से करके आएंगे आइए पहले वो देख लेते हैं वॉन लाउ ट्रीटेड द ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फ्रॉम इंडिविजुअल एटम्स इन द क्रिस्टल वॉन लाउ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन को स्टडी किया उन्होंने ये एज्यूम किया कि जो इंसिडेंट एक्स रेज होंगी वो क्रिस्टल के इंडिविजुअल एटम से स्कैटर होंगी ना कि प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल से जैसा कि हम ब्रैक्स लॉ में हमने देखा था अस कंसिडर द स्कैटरिंग ऑफ रेज बाय द इंडिविजुअल एटम्स ए एंड बी ऑफ द क्रिस्टल यहाँ पर आपको दो एटम्स दिखाए गए हैं दो इंडिविजुअल एटम्स दिखाए गए हैं क्रिस्टल के ए एंड बी जो कि एक एटम यहाँ पर है और एक एटम यहाँ पर है तो यहाँ से हम एक्स रेस की स्कैटरिंग को कंसिडर करेंगे ये हमारी इंसिडेंट बीम होगी एक्स रेस की और एक्स रे जो है यहाँ से स्कैटर हो गए इस डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर हो जाएंगी हम मान लेते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट एक्स रेज हैं उनके अलॉन्ग जो यूनिट वैक्टर हैं वो हैं एन वन कैप मीस जो हमारी इंसिडेंट हैं, दे आर इंसिडेंटिंग ऑन टू अलोंग द डायरेक्शन के अलोंग जो हैं वो स्कैटर हो रही हैं तो स्टूडेंट्स एन वन कैप है यूनिट वैक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज और एन टू कैप है यूनिट वैक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स रेज आइए आगे देखते हैं द स्केटर्ड रेस देन रिकम्बाइंड टू गिव डाइफ्रैक्शन पैटर्न ये जो स्कैटर्ड एक्स रेस होंगी ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और हमें डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा देंगी तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आगे आप इसमें और क्या लिख के आएंगे दिस डाइफ्रैक्शन पैटर्न हैज़ मैक्सिमम इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शन विच ओबे द कंडीशन नोन एज लव इज ये जो इन एटम से एक्सले स्कैटर्ड होंगी ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करते हुए हमें डायफ्रैक्शन मैक्सिमम देंगी बट वो डायफ्रैक्शन मैक्सिमम जो है कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में ही प्रोड्यूस होगा जिन स्पेसिफिक डायरेक्शंस में कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होती हुई दिखाई देंगी और उन्हीं कंडीशंस को हम बोलते हैं लाउइस इक्वेशंस जिसको आज के इस वीडियो में हम ड्राइव करेंगे द एटम्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर टी वेक्टर इज इक्वल टू एन वन ए वैक्टर प्लस एन टू बी वैक्टर प्लस एन थ्री सी वैक्टर देखिए स्टूडेंट्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स होते हैं जो कि रेगुलरली अरेन्ज होते हैं और उन लेटेस्ट पॉइंट्स पर हम प्लेस करते हैं एटम्स कोई भी दो लेटेस्ट पॉइंट जो होते हैं वो एक वेक्टर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर जिसको हम डिनोट करते हैं एन वन ए वैक्टर प्लस एन टू बी वैक्टर प्लस एन थ्री सी वैक्टर से यहाँ पर एन वन एन टू एन थ्री जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं और जो ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर होते हैं ये होते हैं फंडामेंटल वैक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली ए वैक्टर है फंडामेंटल वैक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन बी वैक्टर है फंडामेंटल वैक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन एंड सी वैक्टर है फंडामेंटल वैक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन तो आप इस वैक्टर के थ्रू एक एटम से किसी भी दूसरे आइटम तक पहुँच सकते हैं इना क्रिस्टल तो ये दो ऐटम जो हैं ए एंड बी ये एक दूसरे से

तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरेस के बीच में पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे और आगे की डेरिवेशन भी प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे अब हमने ये जो एक्सरे स्कैटर्ड हुई हैं फ्रॉम दीज टू एटम्स ए एंड बी इनके बीच में पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने होंगे एक परपेंडिकुलर हमें बी से इंसिडेंट रे पर ड्रा करना होगा इस तरह से दिस इज परपेंडिकुलर बी एम और एक परपेंडिकुलर हमें ए पॉइंट से स्कैटर्ड एक्स रे पर ड्रॉ करना होगा इस तरह से ये होगा हमारा परपेंडिकुलर ए एन और हम मान लेते हैं कि ये एंगल फाई है और ये एंगल भी जो है वो फाई है तो आइए आगे बढ़ते हैं लेटेस्ट ड्रॉ पर पेंडिकुलर बी एम एंड ए एन एश ऑन इन फिगर अगर हमने इन दोनों स्कैटर्ड रेस के बीच में पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर दो पर पेंडिक ड्रॉ करने होंगे एक होगा बी एम और एक होगा ए एन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेस स्कैटर्ड फ्रॉम ए एंड बी इज गिवन बाय अब इन स्कैटर्ड रेस के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा देखिए स्टूडेंट्स ए एन पर के आगे ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी और इस परपेंडिकुलर बी के पीछे भी ये दोनों पैरल हैं ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी तो पाथ डिफरेंस कितना होगा इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरेस से के बीच में जो कि इन एटम्स ए एंड बी से स्कैटर हो रही हैं वो होगा बी एन माइनस ए एम अगर बी एन में से अगर आप एम माइनस कर देते हैं तो आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा इन एक्सरेस के बीच में कितना पार डिफरेंस है वो मिल जाएगा जो कि इन दो एटम से स्कैटर हो रही हैं तो पार डिफरेंस को हम यहाँ पर डेल्टा से डिनोट करेंगे एंड दैट पार डिफरेंस विल बी बी एन माइनस ए एम बी एन माइनस ए एम तो अब हमें बी एन और एम की वैल्यूज फाइंड करनी है इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे पहले हम कंसिडर करेंगे ट्रैंगल ए एन बी फ्रॉम ट्रैंगल ए एन बी वी हैव अगर हम यहाँ से कॉस फाइव की वैल्यू फाइंड करें कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री है ये 90 डिग्री और एंगल यहां पर है तो बेस हो जाएगा बी एन बेस हो जाएगा बी एन और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास ए बी ए बी और ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा ए एन बी एन आइटम्स आर कनेक्टेड टू इच अदर बाय क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर टी वेक्टर और टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम टी से डिनोट करेंगे तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो टी होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से बी एन की वैल्यू आ जाएगी टी कॉस फाइव यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं टी इन टू वन इंटू कॉस फाइव वन बीच में ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब वन क्या है यहां पर देखिए स्टूडेंट्स ये जो बी एन है ये किसकी डायरेक्शन में है ये बी एन जो है स्केटर्ड एक्सरे की डायरेक्शन में है और स्केटर्ड एक्सरे के अलॉन्ग जो यूनिट वैक्टर है वो एन टू कैप है और यूनिट वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है एन टू कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन होता है तो वन को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं एन टू कैप के मैग्नीट्यूड से तो इस वन की जगह हम लिख देंगे एन टू कैप यहां पर मैग्नीच्यूट का साइन लगा देंगे क्योंकि हम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें वही यूनिट वैक्टर यहां पर लिखना होगा जो कि बी की डायरेक्शन में है जो कि है एन टू कैप तो यहां पर देखिए मैगनीच्यूड ऑफ टी वैक्टर मैग्नीच्यूट ऑफ एन टू कैप यहां पर कॉस फाई आ रहा है आप जानते हैं ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है मैगनीच्यूड ऑफ ए वैक्टर मैग्नीच्यूट ऑफ बी वैक्टर कॉस फाई अगर हम फाइव एंगल मान लें कि ए वैक्टर और बी वैक्टर के बीच में एंगल फाइव है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से खोला जा सकता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी वैक्टर डॉट एन टू कैप इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ये होगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी बी एन की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास अब हम फाइंड करेंगे ए एम की वैल्यू उसके लिए हमें ट्रैंगल कंसल्ट करनी होगी ए एम बी तो यहाँ पर लिखेंगे आप फ्रॉम ट्रैंगल ए एम बी यहाँ से भी कॉस फाइव की वैल्यू निकालेंगे बेस अपॉन हाइपर्टिन्यूस ये एंगल फाइव है ये हमारा बेस हो जाएगा ए एम और हाइपटेन्यूस हो जाएगा नाइन्टी के सामने वाला जो कि है ए बी ए ए एम अपॉन ए बी ए बी का मैग्नीट्यूड है टी तो यहाँ से ए एम की वैल्यू आ जाएगी टी कॉस फाइव इसको भी हम ऐसे से लिख सकते हैं टी इन टू वन इंटू कॉस फाइव वन बीच में लगा सकते हैं मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा टी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टी वैक्टर और वन को हम लिख सकते हैं अब देखिए ए एम जो है वो इंसीडेंट एक्सरे की डायरेक्शन में है और इंसीडेंट एक्सरे की डायरेक्शन में जो यूनिट वैक्टर है वो है एन वन कैप तो इस वन की जगह हमें लिखना होगा एन वन कैप का मैग्नीट्यूड क्योंकि कि किसी भी यूनिट वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन होता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे वन की जगह एन वन कैप का मैग्नीट्यूड तो इसको अगर हम कंप्रेस करके लिखें तो ये बन जाएगा टी वैक्टर डॉट एन वन कैप दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टी वैक्टर हो जाएगी तो बी एन की वैल्यू भी आ चुकी है ए एम की वैल्यू भी आ चुकी है वो हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में और आगे के स्टेप्स भी प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने तीन इक्वेशंस फाइंड कर ली थी वन टू एंड थ्री अब हम

ये थी हमारे पास इंसिडेंट एक्स रे जो कि थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रही थी अलोंग डायरेक्शन एन वन कैप और ये यहां से स्कैटर हो गई थीटा एंगल पर अलोंग डायरेक्शन एन टू कैप इस फिगर के अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम आगे बढ़ाएं इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं और ये भी हमारा एन वन कैप होगा बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे उसके बाद अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दें इस प्रकार से ये हमारी स्कैटर्ड एक्सरे है ये हमारी इंसिडेंट एक्सरे की डायरेक्शन है तो अगर हम इस ट्रायंगल में ट्राइंगल ऑफ एक्टर एडिशन लगाएं ये ए पॉइंट है इसको मान लेते हैं हम ई पॉइंट इसको हम एफ पॉइंट मान लेते हैं तो अगर हम इस ट्रायंगल में ट्रेंगल ऑफ एक्टर एडिशन लगाएं तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा दिस वैक्टर प्लस दिस वैक्टर इज इक्वल टू दिस वैक्टर ए प्लस ई एफ विल बी इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ए एफ मीन्स एन वन कैप उसके बाद ई एफ उसके बाद हमें ए एफ मिलेगा जो कि होगा एन टू तो यहां से हमारे पास ई एफ की वैल्यू आ जाएगी एन टू कैप माइनस एन वन कैप और इसको हम डिनोट करेंगे एन वेक्टर से तो ई एफ वैक्टर जो होगा हमारा वो एन वेक्टर होगा और ये होगा हमारे पास एन टू कैप माइनस एन वन कैप तो एन वेक्टर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल किसके ऊपर उस प्लेन के ऊपर जो कि इंसिडेंट को स्कैटर्ड में कन्वर्ट कर रहा था मीन्स एन वन कैप को रिफ्लेक्ट कर रहा है एन टू कैप में तो यहाँ पर आप लिखेंगे द वेक्टर एन वेक्टर रिप्रेजेंट नॉर्मल टू द प्लेन दैट रिफ्लेक्ट्स एन वन कैप इन टू एन टू कैप एन वैक्टर उस प्लेन के नॉर्मल है जो कि एन वन कैप को एन टू कैप में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसको हम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन तो अगर हम फाइव को फोर में यूज करें तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी टी वैक्टर डॉट एन वैक्टर तो स्टूडेंट्स इसको हम दे देते हैं सिक्स इक्वेशन तो ये गया हमारे पास पाथ डिफरेंस बिटवीन दी स्कैटर्ड एक्सरेस विच आर क्वेशन तो के आगे का पार्ट हम कंसिडर करेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने इन दोनों स्कैटर्ड रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर लिया था जो कि के निकल गया के था टी वैक्टर डॉट एन वैक्टर ये हमारी सिक्स इक्वेशन थी अगर इन स्कैटर्ड रेस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो जो पार डिफरेंस होना चाहिए इन स्केटर्ड एक्सरेज के बीच में वो होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ तो आप लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार डिफरेंस शुड बी इक्वल टू तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी कंपेयरिंग सिक्स एंड सेवन वी गेट टी वैक्टर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू तो एन लैमदा तो हमारा जो पार डिफरेंस है वो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैमदा के बराबर होगा तभी हमारा जो एक्सरेज है स्केटर्ड वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर पाएंगी और आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो दे पाएंगी ये हमारी एट इक्वेशन होगी अब स्टूडेंट्स हमें पता है जो है जो टी वो वो क्या था वो था एन थ्री सी वैक्टर तो इसमें तीन कॉम्पोनेट है ए वैक्टर भी है बी वैक्टर भी है सी वैक्टर भी है तो अगर हम इक्वेशन एट को कॉम्पोनेट्स की टर्म्स में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोनेट इक्वेशन एट कैन बी रिटर्न एस तो टी वैक्टर का पहला कॉम्पोनेंट क्या है ए वैक्टर तो आप इस इक्वेशन को ए वैक्टर के साथ एन वन है एन वन लैमदा इसको हम दे देते हैं नाइन्थ इक्वेशन टी वैक्टर का दूसरा कॉम्पोनेंट क्या है बी वैक्टर है तो बी वैक्टर की टर्म्स में अगर आप लिखना चाहें इक्वेशन नंबर एट को तो आप ऐसे लिख सकते हैं और इंटीजर यहाँ पर आ जाएगा इस केस में एन टू एन टू लैमदा ये हमारी इक्वेशन होगी और तीसरा कंपोनेंट है टी वैक्टर का सी वैक्टर तो एंथ्री आ जाएगा यहाँ पर लैमदा यह हमारी इलेवेंथ इक्वेशन होगी तो एट्थ इक्वेशन को कंपोनेंट्स की टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं तो स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस के आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम नाइन्थ टेंथ और इलेवंथ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है वो एन वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा एंगल बना रहा है बी वेक्टर एन वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है और सी वेक्टर एन वेक्टर के साथ गामा एंगल बना रहा है ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर क्या थे ये थे फंडामेंटल वैक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई जेड डायरेक्शन तो अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट खोल के लिखे तो हमें क्या मिलेगा ए वैक्टर और एन वैक्टर के बीच का एंगल है अल्फा तो ये हमें मिलेगा ए एन कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एन वन एन वन एन टू एन थ्री को हम एक न्यू सिंबल से डिनोट करेंगे जो कि होगा एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम एन वन को हम एच एच प्राइम से एन टू को के प्राइम से एन थ्री को एल प्राइम से डिनोट करेंगे क्योंकि जब भी हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम मिलर इन की बात करते हैं और एच के एन एल ऊपर प्राइम भी लगा हुआ है ये एक इंटीजियर सी है तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं ये मिलर इंडिसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एन वन की जगह हम लिखेंगे एच प्राइम लैमदा कॉमा इसको खोल के लिखेंगे तो हमें मिलेगा बी एन कॉस इन दोनों के बीच का एंगल बीटा है तो यहाँ पर बीटा लिखेंगे और एन टू को हम रिप्लेस करेंगे के प्राइम से यहाँ पर लैमदा आ जाएगा और यहाँ पर ए सी एन कॉस गामा आ जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल हमने गामा लेट किया है और एन थ्री की जगह हम लेंगे एल प्राइम अब हमारे पास क्रिस्टल के अंदर इन्फोनाइट नंबर ऑफ पैरल प्लेन्स होते हैं इन्फोनाइट सेट ऑफ पैरल प्लेन्स होते हैं जिनके मिलर इंडिसज जो हैं वो क्या क्या होंगे जैसे एच प्राइम को मैस ले सकते हैं एन एच के प्राइम को मैस लिख सकते हैं एन के एल प्राइम को मैस लिख सकते हैं एन एल क्योंकि जो हमारे दो एटम्स थे ए एन बी वो दो इन दो प्लेन्स के ऊपर थे अब इनके पैरल बहुत सारे प्लेन्स होंगे उन सबके जो मिलर इंडिसज होंगे वो किसी ना किसी नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो अगर हम एच डैश को एन एच से रिप्लेस कर दें और साथ में यहाँ पर लैमदा ऐसे ही रहेगा के प्राइम को हम ऐसे लिख दें एन के लैमदा और एल प्राइम को हम लिख दें एन एल लैमदा इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इन तीनों को हम पहले मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ट्वेल्व अब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है और एन की वैल्यू हम इस ट्रैंगल से फाइंड करेंगे यहां से लेके यहां तक वेक्टर था एन वेक्टर ई एफ जो है वो हमारा एन वेक्टर है और एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा यहां से लेके यहां तक उसको हम एन से डिनोट करेंगे तो जी एफ और जी ई कितना होगा एन बाय टू और ये भी एन बाय टू हो जाएगा तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस ट्रायंगल में से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए जी एफ साइन थीटा इज इक्वल टू जी एफ अपॉन ए एफ पी अपन एच तो हमारे पास जी एफ जो है वो है हमारे पास n बाई टू जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर बाई टू और ए एफ है हमारे पास n2 टू कैप और n2 टू कैप का जो जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन होता है तो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड n हो गया n बाई टू हो गया और इसका मैग्नीट्यूड वन हो गया तो यहाँ से हमें मिल यहाँ से हमें मिल जाएगा n बाई टू तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू आ जाएगी टू साइन थीटा इसको हमने थर्टीन इक्वेशन दे दिया अब हम जहाँ जहाँ एन लिखा है इन इक्वेशंस में वहाँ वहाँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टू साइन थीटा पुट करेंगे और फाइनल लाउज इक्वेशन तक पहुँचेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे इस n की वैल्यू को टू साइन थीटा जो हमने थर्टीन इक्वेशन में फाइंड की थी वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्वेल्थ इक्वेशन में तो आप लिखेंगे यूजिंग थर्टीन इन ट्वेल्थ जहाँ जहाँ n लिखा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वहाँ टू साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर n की जगह टू साइन थीटा पुट करने पर आ जाएगा टू ए साइन थीटा कॉज अल्फा इज इक्वल टू एन एच लैमदा और यहाँ पर एन की जगह टू साइन थीटा पुट करने पर आ जाएगा टू बी साइन थीटा कॉज बीटा इज इक्वल टू एन के लैमदा और यहाँ पर एन की जगह टू साइन थीटा पुट करके आपको मिल जाएगा टू सी साइन थीटा कॉज गामा इज इक्वल टू एन एल लैमदा इन तीन इक्वेशंस को हम बोलते हैं लाउज इक्वेशंस और जो स्कैटर रेस इन इक्वेस को ओबे करेंगी सिर्फ उन्ही डायरेक्शन में आपको डाइफ्रेक्शन uh, मैक्सिमा जो है वो देखने को मिलेगा अगर आपको एन एच लैमदा की वैल्यूज पता हैं अगर आपको एच के एल पता है एन और लैमदा पता है तो यहाँ से आप थीटा और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू जो हैं इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये हैं आपकी लाउज इक्वेशन तो यहाँ से अगर हम कॉज अल्फा की वैल्यू निकालें तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आ जाएगी एन एच लैमदा बाई टू ए साइन थीटा और अगर हम यहाँ से cos बीटा की वैल्यू निकालें सेकेंड लाउ इक्वेशन से तो वो आ जाएगी आपके पास एन के लेमदा अपॉन टू बी साइन थीटा और अगर थर्ड इक्वेशन एक से अगर हम cos गामा की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी एन एल लैमदा बाय टू सी साइन थीटा अब हम ड्रॉ ड्राइव करेंगे ब्रैक्स लॉ फ्रॉम लाउज इक्वेशंस तो आपको पता है जो सम्क्र ऑफ डायरेक्शन को साइंस होता है वो वन होता है अगर हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा वैल्यूज आ चुकी हैं ये तीनों जो हैं वो डायरेक्शन को साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके स्क्वेयर्स का सम जो है वो वन होता है तो आप लिखेंगे एस कॉस्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस्क्वेयर बीटा प्लस कॉस्कोर गामा इज इक्वल टू तो वन यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यूज पुट कर दो जो हमने यहाँ पर निकाली हैं और उनके ऊपर स्क्वेयर लगा दो इक्वल टू तो वन कर दो जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो एन कॉमन आ रहा है लमदा कॉमन आ रहा है नीचे से टू साइन थीटा कॉमन आ रहा है तीनों में से तो आपको मिलेगा एम स्क्वायर लहमदा स्क्वायर और टू का स्क्वायर फोर साइंस का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएगा एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर रह जाएगा प्लस एल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू वन रह जाएगा तो स्टूडेंट्स इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर्टीन इसके बाद दो स्टेप्स और बचे हैं और वहाँ से आपको मिल जाएगा ब्रैक्स लॉ तो स्टूडेंट्स वो हम करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर फोर्टीन तक पहुंच चुके थे स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्रिस्टल के अंदर इंटरप्लेनर स्पेसिंग को हम डी से डिनोट करते हैं जो कि होती है स्पेसिंग बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पैरल प्लेन्स तो डी का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है डी इज इक्वल टू वन पॉइंट स्क्वायर रूट एच स्क्वायेर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायेयर बाय सी स्क्वायर इसको हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉलिड स्टेट फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर तो हम स्क्वेयरिंग बो साइड करें तो आपको डी स्क्र इक्वल टू मिलेगा वन अपन एस स्क्वर बाई ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वयर बाक्स एल स्क् बाई सी स्क्वर स्क्वेयर रूट हट जाएगा तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए स्क्वय बाई ए स्क्र प्लस के स्क्र बाई बी स्वयर प्लस एल स्क्येयर बाई सी स्क्र इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई डी स्क्र ये होगी हमारे पास 15th इक्वेशन तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं वन बाय डी स्क्वेयर तो आप लिखेंगे यूजिंग फिफ्टीन इन फोर्टीन वी गेट एन स्क्वेयर लैमदा स्क्वायर बाय फोर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज और इसकी जगह आ जाएगा वन बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा एन स्क्र लैमदा स्क्वेर इज इक्वल टू फोर डी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं एन लेमदा का स्क्वायर टू डी साइन थीटा का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो आपको मिल जाएगा टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैमदा विच इज नथिंग बट ब्रैक्स लॉ फॉर एक्स रे डाइफ्रैक्शन तो हम लाउस इक्वेशंस से ब्रैक्स लॉ को भी बहुत ही ईजिली जो है वो डराइव कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास लाउज इक्वेश फॉर एक्सरे डाइफ्रैक्शन एंड डिडक्शन ऑफ ब्रैक्स लॉ फ्रॉम लाउज इक्वेश आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के साथ टिल देन टेक केयर